नमस्कार, मैं सविता शेखावत। मेरे चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेवइयों की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे कि सेवइयों को कैसे पकाएं। ये हम दो तरह से बनाकर बताएंगे। ये दोनों तरह की सेवइयां खाने में बहुत ही टेस्टी है और ये उन लोगों के लिए तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो तला हुआ खाना कम पसंद करते हैं। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सेवई पकाने के दोनों तरीके बहुत ही डिफरेंट है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस के ऊपर कढ़ाई रख लेंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और एक साइड में हम इसके लिए पानी गर्म रख लेंगे क्योंकि हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पका रहे हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे सेवई, जब तक हमारा पानी भी उबल के तैयार हो जाएगा। इसको हम एक पलटे की सहायता से लगातार चलाते रहेंगे ताकि जो है एक साइड से ज़्यादा ना सिके। इनको हमें लगभग 5 मिनट तक धीमी धीमी आँच पर ऐसे ही लगातार चलाते हुए हल्का सा ब्राउन कलर होने तक सेक लेना है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, सिकने के बाद ये हल्की सी लाल कलर की हो जाती हैं। तो इसको हम हटा लेंगे और पानी को उबलने तक गर्म होने देंगे क्योंकि इसमें हमें एकदम उबलता हुआ पानी चाहिए। इसमें हम ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एकदम उबाल आता हुआ पानी चाहिए। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है तो अब इसके अंदर हम सेवइयां डालेंगे। सेवइयां डालते समय गैस का फ्लेम हम एकदम लो कर देंगे क्योंकि जैसे ही हम पानी के अंदर सेवइयां डालते हैं तो पानी उफनना शुरू हो जाता है। इसके लिए आप गैस का फ्लेम एकदम लो कर दें और इसको एक चम्मच की सहायता से ऐसे चला दें। अब इसको हम दूसरी गैस पर ट्रांसफ़र कर देंगे और इस गैस पर हम कढ़ाई रख के दूसरी सेवइयां बनाना शुरू करते हैं। पहले वाली सेवइयाँ हमने बिना फ्राई किए हुए बनाई हैं और ये हम फ्राई करके बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम 2-3 चम्मच कढ़ाई के अंदर घी डाल लेंगे और साथ में ही हम इसमें सेवइयाँ डालेंगे। जितनी सेवइयाँ हमें बनानी है हम इसके अंदर डाल लेंगे, उसी की मात्रा से हम घी डालेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ी सेवइयाँ बना रही हूँ, 1/2 कप के बराबर। आप अगर ज़्यादा बनाते हैं तो घी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा डालें और इसको लगातार चलाते रहेंगे। इसको भी हम हल्का ब्राउन होने तक सेक लेंगे और बीच बीच में हम उबलती हुई सेवइयों को भी चलाते रहेंगे। इसके बाद में जो हमारी फ्राई की हुई सेवइयाँ हैं थोड़ी सी लाल हो गई हैं तो इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल लेंगे। जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप उसको कतरन बनाकर या फिर ऐसे ही तोड़कर डाल सकते हैं क्योंकि ये भी इसके साथ साथ हल्के से फ्राई हो जाएंगे। इन सेवइयों को अच्छे से चलाने के बाद अब हम पहले वाली सेवइयों को चेक कर लेते हैं क्योंकि इनको पकने में 3-4 मिनट का टाइम लगता है। ये देखिए, ये पककर तैयार हो गई हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इनका हम पूरा पानी निकाल देंगे। सेवइयों को एक छलनी में निकाल लेंगे। सेवइयों का पूरा पानी निकालने के बाद छलनी को उठाकर ऐसे हम किसी भी बर्तन पर रख देंगे ताकि बचा हुआ पानी भी निकल जाए और 1-2 चम्मच घी डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारी जो सेवइयाँ हैं वो एकदम खिली खिली रहे। तो ये सेवइयाँ भी बनकर हमारी तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सेवइयों का कलर एकदम चेंज हो गया है, ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो अब इसमें हम मिल्क डालेंगे। ये हमने 400 ग्राम फुल फैट मिल्क लिया है, इसको डालकर भी हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और इसको एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें 1/4 चम्मच के आसपास इलायची पाउडर डाल रहे हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है और साथ में ही हम डाल देंगे शक्कर। मैं इसके अंदर 50 ग्राम शक्कर डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार मीठे की मात्रा कम या थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको लगातार चलाते हुए हम गाढ़ा होने तक पका लेंगे। जब तक हमारी सेवइयाँ पकेंगी तब तक हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये सेवइयाँ भी पककर हमारी तैयार हो गई है। इससे ज़्यादा गाढ़ा इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडी होने के बाद अपने आप गाढ़ी हो जाती है। यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। ये गर्मा गर्म खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। इसके बाद में हम दूसरी सेवइयों को भी सर्व करेंगे। इसके लिए हमने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर हम सेवइयाँ डाल लेंगे। इसके बाद में हमने ये बूरा ले ली है, आप इसकी जगह पे शक्कर का पाउडर भी ले सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार जितना मीठा आप खाते हैं आप इसके ऊपर से डाल लें। और साथ में ही हमने ये देसी घी ले लिया है, इसमें हम 2-3 चम्मच घी डालेंगे और इसको आप मिक्स करके खाइए, ये आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इसका टेस्ट एकदम ही फ्राई की हुई सेवइयों से अलग होता है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो हमने ये 2 प्रकार की बहुत ही टेस्टी सी सेवइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। आप भी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
सेवइयों की रेसिपी आपको कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।